आज पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेना और उल्टा उनको प्रोटेक्ट करना, अपराधियों को प्रोटेक्ट करने के वहाँ पे जो काम चल रहा है, तो ये निश्चित रूप से उसके विरोध में हमने कैंडल जुलूस निकाला है। मुद्दों की बात तो हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी, इसके पहले भी आप सुने हैं और पिछले 7 दिनों से हम मुद्दे के बारे में ही सुन रहे हैं। आज हम सब स्त्री रोग विशेषज्ञ, लेडी डॉक्टर्स 1, 2, 3, 4, 5 जो आपके छोटे से शहर में सेवाएं दे रहे हैं दिन और रात, MBBS के बाद हम लोग बहुत कड़ी परिश्रम ट्रेनिंग, जिसको रेसिडेंसी बोलते हैं, ये आपको पता नहीं होगा लेकिन इन दिनों में आपने सुन लिया होगा कि रेसिडेंसी और रेसिडेंट हमें क्यों कहते हैं, क्योंकि 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे दिन और बिना देखे ना रात देखे माँ की, बच्चों की, हर किसी की सेवा की है हमने, अपनी ड्यूटी निभाई है शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से। और हमें बेसिक फैसिलिटीज़ क्या दी जाती हैं, ना हमारे पास कोई डॉक्टर्स ड्यूटी रूम होता है, ना सोने की जगह होती है, हम कभी लेबर टेबल में, कभी फ्लोर में, कभी OT में, कहीं पर भी जहाँ जगह मिले वहाँ पर आराम करते हैं। हम पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि डाइट में क्या खाना चाहिए, लेकिन हमने अपने जीवन के 10 साल चाय और समोसा खा के ही निकाले हैं। आप मैडम लोग की भी कुछ फीलिंग्स को सुनिए। आज हम ये सब जानते हैं कि अभी इतने दिनों से हम सुन रहे हैं कि हमारी एक साथी डॉक्टर की, जो स्त्री एक लेडी डॉक्टर थी, उनके साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या हुई, ग्रूसम तरीके से उनको मारा गया। तो हम ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि उन जो व्यक्ति इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाए और आगे के लिए ऐसे नियम कानून बनाए जाएं कि हमारे जो डॉक्टर्स रात में ड्यूटीज़ करते हैं, जैसा कि डॉक्टर भारती मैडम ने बताया, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलती है, हम लोग को कोई प्रोटेक्शन नहीं रहती है जब हम हॉस्पिटल्स में रात में ड्यूटीज़ देते हैं। तो हमको सब प्रकार का प्रोटेक्शन चाहिए और जिस डॉक्टर के साथ अभी अन्याय हुआ है उसका न्याय हमें चाहिए और उसकी जस्टिस के लिए हम सब यहाँ खड़े हुए हैं और उसके अधिकार के लिए और हम सब के अधिकार के लिए जो उस लड़की के साथ हुआ उसके लिए हम यहाँ सब खड़े हुए हैं और हम न्याय चाहते हैं। मेरा नाम स्टार स्कूल की कोऑर्डिनेटर हूँ, मुझे जस्टिस चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है वो इन दरिंदों को मिटा के स्वच्छ किया जाए। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी सेफली हर जगह जा सके, बिना किसी डर के, बिना किसी भी चिंता के। मैं चाहती हूँ कि हर एक बेटी पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ रहे। थैंक यू। मुद्दा तो ये है कि एक डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थी उसके साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ कि जो डॉक्टर, मतलब ऐसा सोच लीजिए कि MLC केसेस को वो हैंडल करती है, उसके साथ ऐसा हो गया। तो आज हम लोग ये साइलेंट तो निकाले हैं, मौन रैली निकाले हैं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि हमको यहाँ बगावत करना चाहिए, क्योंकि आज ऐसा हो गया है कि आज कोई बेटी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो IAS बन जाए, चाहे वो डॉक्टर बन जाए और चाहे वो घर में ही रहे। तो मैं चाहती हूँ कि इस मुद्दों को हाईलाइट किया जाए और सभी बेटियों को प्रोटेक्शन दिया जाए। जुलूस है शासन के खिलाफ, वेस्ट बंगाल खिलाफ, शासन के खिलाफ, परंतु जुलूस मौन जरूर है, परंतु हमने संदेश बहुत बड़ा दिया है इसमें। निर्भया हत्याकांड की तरह आम आदमी को, आम लोगों को भी इन्वॉल्व, पत्रकारिता जगत, शासन प्रशासन, राजनीतिज्ञ, तो शिक्षाविद, सभी को इन्वॉल्व होना चाहिए और इसको एक ऐसा एक नियम बनना चाहिए कि इस तरह की हरकत जो करते हैं और उनके साथ जो घिनौना अपराध इन्होंने किया है, जघन्य अपराध किया है, इनको केवल एक ही सज़ा मिले, वो है फांसी। इसके अलावा कुछ भी नहीं और ऐसे कानून बनेंगे तभी आगे इस तरह की घटनाएँ रोकने में हम लोग सफल होंगे।